बच्चियों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम लेना और दूसरी बच्ची का नाम डेबी है। ये दोनों के दोनों दोस्त है और अब डेबी वीजा बोर्ड में उसी गेम को यानी कि स्पिट कॉल को करना शुरू कर दी है। वो मंत्र पढ़ती है जिसके बाद भी जब बोर्ड के एरो को उठाकर ले देखती है क्योंकि उसी से स्प्रेड को देखा जा सकता है और उस शहरों के खिलाफ से उसे अपने सामने एक सा दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। और जब वो एरो को हटाकर देखती है तो वहां पर उसकी छोटी बहन सारा होती है जिसे डांटकर वहां से भगा देती है। और कई साल बीत जाते हैं और ये सब बच्चे बड़े हो चुके हैं। देवी आज भी इस बिच बोर्ड को खेल रही होती है। हालांकि तीन रोज में से इसका एक रूल ये भी है कि इसे कोई अकेला नहीं खेलेगा। वो जरूरी होता है कि जब भी गेम को बंद करोगे तो गुड बाय कहना होगा। और तीसरा, किसी भी कब्रिस्तान में इस गेम को नहीं खेला जा सकता। अब वो गेम खेलकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, इसलिए वो इस गेम को जला देती है। और कुछ ही देर बाद लेकिन उसके घर पर आते हैं, कहते हैं कि महंगे करने के लिए आज बाहर जाना है। और देवी साहब मना कर देती है। से पूछती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। ये भी बताती है कि वे जब वोट गेम खेलने के बाद उसे अजीब सा लग रहा है, लेकिन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और इसके बाद लिहाज से चली जाती है। देवी जब घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि वो भी जब वो जो उसने चला दिया था वो बिल्कुल सही सलामत उसके सामने है। वो उस वीजा बोर्ड के एरो को उठाकर उसके खिलाफ देखती है और तभी हमें उसकी आंख दिखाई जाती है जो पूरी तरह से सफेद हो जाती है, यानी कि उसे शैतान नहीं कर लिया है। इसके बाद वो अपनी जान ले लेती है। लेकिन जब लेकिन कोई बात पता चलती है तो वो देवी के घर जाती है। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। यहाँ पर देवी की मौत से सबके सब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। लेन देवी की मॉम से मिलती है। उसकी मॉम कहती है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारे जाने के बाद तुम इस स्तर का ध्यान रखना। और जब वो चले जाते हैं तो लेन को वहां पर वही वीजा बोर्ड मिलता है जिससे टीवी ने खेला था। अब लेन यहाँ पर टीवी के बॉयफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी छोटी बहन को और अपने एक दोस्त को बुलाती है। और ये पांचों के पांचों तय करते हैं कि यह वीजा बोर्ड से देवी की आत्मा से कम्युनिकेट करेगी। और ये पांचों की पांचों एक बार फिर से मंत्र पढ़ के बोर्ड को एक्टिवेट करते हैं। और तभी वीजा बोर्ड का जो एरो होता है वो अपने आप ही अल्फाबेट्स पर मूव होना शुरू हो जाता है, जिस पर लिखा होता है हाई फ्रेंड्स। इसके बाद ही उसका नाम पूछते हैं और वो ए रोड पर चला जाता है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि यह है, यानी कि इन्होंने देवी की आत्मा से कॉन्टैक्ट कर लिया है। रेन बॉस ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इसके बाद एडीबी को गुड बाय कर देते हैं। और अब यहाँ पर लाइट अपने आप ही चली जाती है। किचन से कुछ आवाज आती है और जब लेना अपने बॉयफ्रेंड के साथ किचन में जाती है तो देखती है कि स्टोन अपने आप ही चल रहा होता है। वही लिविंग रूम में दिखाया जाता है जहां देवी के बॉयफ्रेंड को कुछ आवाज आती है और वो उस आवाज की तरफ बढ़ चलता है। और तभी वो देखता है कि शहर हिल रहा है। वो अपने आप को देखता है जिसने उसे कोई सा भी दिखता है और अगले पल उसे वो साया धक्का देता है जिससे उसका हाथ मिलपर लगता है और मेरा टूट जाता है। अब यहाँ पर उसके सभी दोस्त भी आ जाते हैं, लेकिन देवी का बॉयफ्रेंड भी है, बहुत ज्यादा डर चुका है। इसके बाद ही सबके सब यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अपने साथ भी जा भी ले जाती है। और अगली सुबह इन सभी दोस्तों के साथ अजीब सी चीजें होना शुरू हो जाती है। इन सबको अलग अलग जगह पर हाई फ्रेंड्स लिखा हुआ नजर आता है। इन्हें लगता है कि टीवी की आत्मा इनसे कुछ कहना चाहती है, इसीलिए एक बार फिर से ये देवी के घर पर जाते हैं। और जब बोर्ड पर हाथ रखकर ये मंत्र पढ़ते हैं, जिसके बाद इनके सामने रखी हुई चेयर पर कोई बैठ जाता है। अब यहाँ पर डीबी का जो बॉयफ्रेंड होता है वो उससे सवाल पूछता है और सवालों के जवाब से उसे पता चलता है कि टीबी ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसे किसी ने मारा था। अब ये जो इनके सामने आत्मा बैठी हुई है वो अपना नाम इन्हें डीजी बता के, यानी कि ये देवी नहीं है, इसके बाद उठाती और सामने पर देखिए जहां पर उसे एक छोटी बच्ची दिखती है जिसका मुंह सिला हुआ होता है। और ये है यानी की बहन जो मैं अचानक से गायब हो गई थी, जिसकी बॉडी कभी नहीं मिली थी। और इसीलिए सवाल पूछने पर, इसका नाम पूछने पर इसलिए तेजी पर एरो को रखा था क्योंकि इसका नाम डॉर्सी सेंट है। और अब यहाँ पर डॉर्सी एक तरफ इशारा करती है और जब लेकिन उसी के रास्ते उस तरफ देखती है तो वहां से पूरी और तीन की तरफ भागती भी आ रही होती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। ये उसके सभी दोस्त डर जाते हैं और वो विजयपुर को वहीं छोड़कर इस घर से निकल जाते हैं और तय करते हैं कि आज के बाद कभी भी को दोबारा नहीं खेलेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा परेशान होती है, उसे बार बार अपनी बेस्ट फ्रेंड जो कि बचपन से उसके साथ ही उसकी याद आ रही होती है। उसके बाद उसकी कीचेन भी होती है जिसमें एक पेन ड्राइव होता है और जब वो उस पेन ड्राइव को सिस्टम के साथ कनेक्ट करती है तो उसे पता चलता है कि देवी को ये वीजा बोर्ड अपने घर के मिला था जिसे उसने अकेले ही खेला था। दरअसल ये वही है जिसे बचपन में और उसकी मॉम ने एक साथ एक्टिवेट किया था। इसके बाद डॉर्सी को कर लिया गया था। वहीं इनकी एक दूसरे दोस्त को दिखाया जाता है जो इन्हीं के साथ खेल चुकी हैं। वो एक होती है और जब वो अपने घर जाती है तो मिरर में अपने आप को देखती है, पूरी तरह से डर जाती है क्योंकि उसका मुंह सिला हुआ होता है। और तभी उसका पैर स्लिप होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि अब इन पांचों में से जिन्होंने विजय को खेला था उसमें से एक की मौत हो चुकी है। जानना चाहती है कि वो इस ब्रिटेन से क्या चाहती है, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसका साथ देने से मना कर देता है, जिसके बाद वो पी के बॉयफ्रेंड के पास जाती है। और ये दोनों एक बार फिर से देवी के घर आ जाते हैं और एंटीक में जाते हैं, जहां पर ये ने पुरानी फैमिली की यानी डोरिस और उसकी बहन की कुछ चीजें मिलती है और के हाथ सेट और छूट जाती है। और वो टॉर्च की रोशनी एक डाल पर पड़ती है और जब वो टॉस लेने के लिए जाती है तभी उसे एक बच्ची दिखती है जिसे देखकर वो डर जाती है, जल्दी से टिक से नीचे आ जाती है, जिसके बाद ही दोनों के दोनों को सामान को देखते हैं जिसमें बॉल और डोरिस के पूरे परिवार की फोटोज होती है। इन्हें पता चलता है कि आज से कई साल पहले बोलीना और डोरिस यहाँ पर अपनी मॉम के साथ रहा करती थी और अचानक से एक दिन गायब हो गई, ने अपनी मॉम को मार दिया था और अब वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है, जिसके बाद ये दोनों की दोनों मेंटल हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती, सब कुछ बताती है जो जो उसके परिवार के साथ हुआ था।
जो कहानी हमने फर्स्ट पार्ट में देखी थी वो बताती है कि कैसे डोरिस को कर लिया गया था और क्यों उसने उसकी मौत को सिला था, और लेना ये भी बता दी है कि अगर 2 मिनट से बचना चाहती हो तो नीचे बेसमेंट में कहीं ना कहीं डोरिस की बॉडी है, तुम्हें उसके होठों को, जिसे मैंने कभी सील दिया था, उसे खोलना होगा। लेकिन गलती से भी वहां पर मत जाना क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक है इसीलिए। लेकिन अपनी छोटी बहन को, अपने बॉयफ्रेंड को और बॉयफ्रेंड को जिसका नाम बीट है, उन सबको लेकर टीवी के घर पर जाती है। ये सब के सब नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहां पर ये उस बॉडी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जब ये सवाल अलग होते हैं तभी लेन के बॉयफ्रेंड को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है, और जैसे वो पीछे देखता है तो कोई उसके पैर पकड़कर खींचकर उसे एक कमरे में ले जाता है। जब उसकी आवाज सुनता है तो वो भी उसके पीछे जाता है और दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। और अब हर लेन और उसकी सिस्टर है, इनका कहना है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर उस बॉडी को ढूंढ कर उसके मुंह की स्टेज इसको खोलना होगा। और आप अपनी सिस्टर के साथ आगे बढ़ती है जहां पर इन्हें एक रास्ता मिलता है, जहां पर इन्हें एक छुपा हुआ वेंट मिलता है। लेकिन अपनी सिस्टर से कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अकेले अंदर जाती हूँ। और जब वो अकेले अंदर जाती है तो वहां पर एक कमरा होता है जहां पर उसे डोरिस की बॉडी मिल जाती है। हम जब उसके मुंह के स्टेज खोलने की कोशिश कर रही होती है तभी उसकी मॉम की स्पीड वहां पर आ जाती है, जो ऐसा करने से रोकती है, लेकिन लेनदेन के सारे केस खोल देती है, जिसके बाद डोरिस जोर से चिल्ला दी है और उसकी मॉम की जो स्प्लिट होती है वो डरकर इस जगह से चली जाती है। साथ ही लेन भी दूर जाकर गिरती है, जिसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है और इन्हें समझ में आ जाता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए सबके सब वापस अपने घर आ जाते हैं। और जब भीड़ अपने कमरे में जाता है तो उसके सामने देवी की आत्मा होती है, जो अवेलेबल डोरिस बन जाती है और वो उसे करके मार देती है। इनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि पीट की मौत कैसे हुई और क्यों हुई, जबकि उन्हें सब कुछ वैसा ही किया था जैसा ने कहा था। इसलिए ये से मिलने के लिए जाते हैं जहां पर बता दी है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था, दरअसल मेरी मॉम की जो स्पिरिट थी उन्हें वो डोरिस का मुंह खोलने से इसलिए मना कर रही थी क्योंकि वो एक इविल स्पिरिट है और अब वो आजाद हो चुकी है, वो तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इनको आप कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो अपनी ग्रैंड मदर से पूछती हैं। उसकी कहती है कि अगर तुम डोरिस की आत्मा को, उसकी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो